ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने चुन चुनकर बीजेपी पर प्रहार किया। बीजेपी के दफ्तरों की तस्वीर दिखाकर सीएम ने सवाल पूछे तो बीजेपी के आचरण पर सवालिया निशान भी लगाया। यहां तक कि सीएम ने बीजेपी को बालू बेचने वाला व्यापारी भी बोल दिया। सदन में सीएम के संबोधन के दौरान हंगामा हुआ लेकिन सीएम ने अपना प्रहार जारी रखा। इसी को कहते हैं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये देखिए और इनसे पूछिए कि इन 5 वर्षों में जो ये बिल्डिंगें बनी, ये बिल्डिंगें का पैसा कहाँ से आया। और ये और अध्यक्ष महोदय सुन के तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें तो कुछ ऐसे गैर मजरा जब सरकारी जमीन में भी इन लोगों ने पार्टी ऑफिस बना लिया। अध्यक्ष महोदय ये पीठ पर चूरा मारते हैं। अध्यक्ष महोदय सामने से वार करने की क्षमता इनमें नहीं है। और ये कोर्ट कचहरी गवर्नर के माध्यम से सरकार को मदस्थ करने का प्रयास होता है। अध्यक्ष महोदय और कितना गिनाना चाहते हैं आप लोग, और कितनी आप लोग कागज कलम रखिए और लिखना प्रारंभ कीजिए। अभी इनका विरोध का तरीका देख रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये लोग बालू बेच रहे थे बाहर में, फोटो आया है बड़ा बड़ा इनको छपा हुआ इन लोगों सोशल मीडिया में। ये व्यापारी यही करेंगे अध्यक्ष महोदय, पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने। इनको तो हम लोग ये वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अभी अयोध्या में जनता ने इनको वो तमाचा लगाया है अध्यक्ष महोदय, जिनका झटका अभी तक इनसे संभल नहीं पा रहा। मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो उनके राज में बाहर से लोग डूब रहे हैं, वहां वो भ्रमण करने नहीं जाते हैं, लेकिन वोट बैंक बटोरने के लिए झारखंड में भ्रमण करने के लिए रोज आ रहे हैं। बड़ा अजीब हालत है। हम वहां के बाहर पीड़ितों को रुपया बेचते हैं और यहाँ पर ये समाज का विभाजन में वो यहाँ आकर के दौरा करते हैं। बड़ा अजीब हालत है अध्यक्ष महोदय। चिंता मत करो, आसाम से झारखंड लोग नहीं आए हैं, झारखंड से आसाम गए हैं। चुनाव आने दो, यहाँ तो छोड़ो, आसाम में भी सफाया हो जाएगा आपका, चिंता